हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज एक हम बड़ी जरूरी बात करने जा रहे हैं आपके साथ। तो बात है दोस्तों हैप्पीनेस की। आपकी स्क्रीन के सामने भी लिखा हुआ है व्हाट इज हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस का क्या मतलब है, इसको हम एक इंडियन पर्सपेक्टिव से आज समझेंगे। तो हर एक के लिए दोस्तों अलग अलग मीनिंग होता है हैप्पीनेस का। किसी के लिए अच्छी सेहत होना हैप्पीनेस है, किसी के लिए अच्छे रिलेशन होना हैप्पीनेस है, किसी के लिए मनी होना हैप्पीनेस है, और किसी किसी के लिए आप बोल सकते हो कि एक सोशल स्टेटस होना हैप्पीनेस है। तो हर एक की एक अलग अलग वे ऑफ डिफाइनिंग होता है जिससे हम हैप्पीनेस को देखते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो एक इंडियन पर्सपेक्टिव से होगा, एक इंडियन दृष्टिकोण से होगा कि हम हमारे यहाँ पे हैप्पीनेस का क्या मतलब है। तो दोस्तों, मैं आपको इस चीज में स्लाइड्स की तरह समझाऊंगा और आपको थोड़ा मैं लेके चलूंगा कि क्या हम इंडिया में हैप्पी हैं या नहीं है, या अगर नहीं है तो उसके क्या पॉसिबल रीजंस है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या बात है आज की। तो देखिए दोस्तों, बात ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि अभी 20 मार्च निकली है, थोड़े दिन हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए। 20 मार्च निकली और 20 मार्च को 20th मार्च को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है। तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता एक दिन है जिसके लिए एक दिन को डिवोट किया जाता है कि इस दिन हम हैप्पीनेस की इंपॉर्टेंस के बारे में, हैप्पीनेस की रेलिवेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब दिन तो चलो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक दिन ही खुश होना है, हमें 20th मार्च को ही खुश होना है। आप कभी भी खुश हो सकते हो। आप अभी मुझे देख रहे हो, माइट भी आप बहुत खुश होंगे, माइट भी आपने सिर्फ ये एक तरह से थंबनेल देख के ये वीडियो देखनी शुरू की होगी कि मैं जानूं कि ये चीज क्या है, क्या हैप्पीनेस क्या है। तो दोस्तों, उसको समझाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी थोड़े टाइम पहले हमारा 7th एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी। तो इसके बारे में आपको ज्यादा माइंड में जोर डालने की जरूरत नहीं है कि किसने रिलीज करी किसने नहीं रिलीज करी। तो ये तो वैसे ही मैंने इंक्लूड किया कि चलो आपको एक तरह से प्रॉपर पर्सपेक्टिव से बताऊं। तो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 156 कंट्रीज को इन्होंने रैंक किया, और जब रैंक किया तो देखा कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा हैप्पी है। तो अब हम इंडियन है, ऑब्वियसली हम इंडिया की बात तो करेंगे ही। तो अब इंडिया की रैंकिंग जो है वो 140th थी, जो 156 कंट्रीज में से हमारा रैंक क्या आया, 140। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि कुछ ज्यादा अच्छा रैंक नहीं है। और हम मतलब कहने का ये है कि रिपोर्ट की तरह देखें तो हम इतने ज्यादा हैप्पी नहीं हैं। और ये स्पेसिफिकली ये बात इम्पोर्टेंट होती है जब हमारी एक साल पहले रैंकिंग थी 133। मतलब हम क्या है, हम और ज्यादा अनहैप्पी हो गए इस साल। तो अब इस चीज के क्या रीजंस हैं, क्या पॉसिबल मतलब हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, तो आज उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, बात ऐसे है कि सिंपल, अब हमारा रैंकिंग तो चलो डाउन आई है अब, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हैप्पीनेस को देखा कैसे जा सकता है। अब मैंने जैसे पहले बताया कि हर एक बंदे की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो देखिए, किसी के लिए इनकम होना, आपके पास इनकम है, आपके पास अच्छी सैलरी है, तो आपके लिए आप सिक्योर फील करते हो, आपको पैसे, आपके पास पैसा है, आपकी जेब में मनी में पैसा, आपकी पॉकेट में पैसा है, तो आप सिक्योर फील करते हो। तो एक तरह से देखने का तरीका ये भी है कि जिन लोगों के पास पैसा होता है वो खुश होते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, मैं कैसे आपको बताऊंगा आगे आपने आने वाली स्लाइड्स में। तो देखिए, कई लोगों के लिए हेल्थ अच्छी होना, लॉन्गेविटी, एक लाइफ, अच्छी लाइफ, लंबी लाइफ होना, और कईयों के लिए फ्रीडम होना, आजादी होना, और कईयों के लिए सोशल सिक्योरिटी होना। जैसे आपको, सपोज करिए कि आपको एक, अगर आप मान लीजिए कोई बंदे ऐसे भी होते हैं जो काम नहीं कर पाते, अगर आप ओल्ड एज पीपल की बात ले लें, तो ओल्ड एज पीपल लोग ऐसे होते हैं कि वो काम नहीं कर पाते, तो वो कैसे खुश हो सकते हैं। अब इनको, उनको तो होती नहीं है, वो तो काम नहीं कर सकते, तो वो कैसे हैप्पी होंगे। तो अगर उनको पेंशन अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं, जिससे वो अपनी सेहत का, अपनी लाइफ का, अपनी अपनी जो लाइफस्टाइल का प्रॉपर मेंटेनेंस कर सकते हो, उसको 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 सोशल सिक्योरिटी बोल देते हैं। तो उन, अगर वो उनको अवेलेबल है तो इससे वो हैप्पी होंगे। कई लोगों के लिए देखिए, अब आप हो, मैं हूं, हम डेली गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं। जब हम डेली गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा एक्सपीरियंस गवर्नमेंट के साथ कुछ बनता है। अगर हमारे डिपार्टमेंट, सपोज कर लीजिए, सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ,
मान लीजिए भगवान ना करे आपको कभी हॉस्पिटल या आपको कभी कभी कोर्ट्स में जाना पड़े, लेकिन या सपोज कीजिए कि आपको सिंपल काम भी ले लीजिए, आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है। अभी तो चलो बहुत ज्यादा डिजिटाइज्ड हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारी जो गवर्नेंस है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। आप अब किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए, आपको कोई सर्विस नहीं मिली, आपको आपको डिजायर्ड आपका जो 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 एक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिला, तो ऑब्वियसली आप अनहैप्पी फील करोगे। तो अब ये इस चीज में अकेला हम मान लेते हैं, जैसे कि इनकम से आप कईयों के लिए होगा कि चलो जी अच्छी इनकम है, मेरे पास पैसा है, मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन इनकम सब कुछ नहीं होती। कई लोगों के पास इनकम होती है, वो इनकम होते हुए भी क्या करते हैं, वो इस इनकम को किस पे स्पेंड कर रहे होते हैं, अपनी हेल्थ पे, बिकॉज वो दवाइयां ले रहे हैं, कई कई डिप्रेसिव डिप्रेसिव प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो कई लोगों के पास पैसा है और फ्रीडम नहीं है, जैसे चाइना के लोग हैं, या आप सिंपल बात कर लीजिए हमारी गुड गवर्नेंस नहीं है। अगर मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो, आप खड्डे देख रहे हो, आपको इतनी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है जाने में, तो ऑब्वियसली आपको आपको एक इरिटेशन तो होगी ही, तो गवर्नेंस भी बहुत मैटर करती है। तो देखिए इसके वही बात है कि इसको देखने के अलग अलग तरीके हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इनकम के बारे में। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ जी इनकम हो तो सब कुछ अच्छा है, हर कोई बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। बहुत बहुत लोग आपके लोकल में या मेरे लोकल में या मेरे नॉन में ये बात बोलते हैं कि देखिए जी पैसा होना चाहिए, खुशी तो अपने आप आ जाती है। तो देखिए ये भी एक तरह की मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपके पास पैसा है और वो वही पैसा आप हेल्थ पे लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपके लिए वो पैसा मैटर नहीं करता। अब देखिए इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया की, अब देखो जीडीपी है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बोलूंगा, सिंपल बात कर लें तो इनकम की बात करते हैं, जीडीपी को आप इनकम लेके चलिए। तो इंडिया की जो इनकम है वो लिबरलाइजेशन के बाद, जो 1991 के रिफॉर्म्स हुए थे उनके बाद, हमारी जो पोस्ट लिबरलाइजेशन जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी इनकम है, वो डबल हो चुकी है ऑलरेडी। हम बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं जीडीपी ग्रो करने में। लेकिन बात ये है कि क्या हम हैप्पी भी हैं? अगर इस दौरान हम हैप्पीनेस को उठा के देखें तो हमारी हैप्पीनेस 1.2 पॉइंट से नीचे है। अब यह बात यही रिपोर्ट बोल रही है कि हमारी जो, चाहे हमारी इनकम बढ़ी है, लेकिन हमारी जो हैप्पीनेस है वो कम हुई है। अब सिंपल बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात ले लीजिए, पाकिस्तान की इनकम हमारे से बहुत कम है, पाकिस्तान की इकोनॉमी हमारे से बहुत छोटी इकोनॉमी है, ऑलमोस्ट हम उसकी हम एक तरह से अगर हम बात करें, अगर पाकिस्तान 20 रुपए बनाता है तो हम 100 रुपए बना रहे हैं, मतलब हम उससे 5 गुना ज्यादा बड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान का रैंक हमारे से आगे है, हमारा रैंक 140 है, पाकिस्तान का 67 है। तो ये भी ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि इनकम हो तो हैप्पीनेस होगी। पीपल के पास वेल्थ है बट वो हैप्पी नहीं है। अब इसी रिपोर्ट में देखा गया कि 125 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें, 125 में से 43 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी इनकम में राइज देखा गया बट उनकी हैप्पीनेस में डिक्रीज देखा गया। मतलब उनकी इनकम जो देखी गई, इकोनॉमी का साइज देखा गया वो बड़ा, लेकिन इनकम का जो साइज है वो कम हुआ। तो अब देख सकते हो कि इनकम मिथ कैसे कैसे सामने निकल के आ रही है आपके पास। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि देखिए इनकम की फिर कोई वैल्यू नहीं है, इनकम का क्या मतलब है, फिर इनकम कैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं सभी? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इनकम की वैल्यू है। अगर आपकी जेब में पैसा है, आप अभी आपके आप अभी आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, अगर आपकी पैसे में पैसा है तो आपकी जेब में आप जा सकोगे, आप खुशी से इंजॉय कर सकोगे, आपको टेंशन नहीं होगी। वो अब देख, अब इसी रिपोर्ट को हम लेके चलते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें जो 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 जिनका रैंक भी अच्छा है और वो हाई इनकम कंट्रीज हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस इंडेक्स को टॉप किया है, जो जो रिपोर्ट है इसको टॉप किया है फिनलैंड ने। मतलब फिनलैंड सबसे खुशी वाला देश है, सबसे खुश देश है फिनलैंड, और उसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज जैसे आपकी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, नीदरलैंड्स। तो ये जो कंट्रीज हैं ये बहुत खुश है। मैं आपको मैप पे दिखा देना चाहता हूँ, ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं आपकी, ये नॉर्वे है और ये आप देख सकते हो इसको, सॉरी फॉर द, लेट मी शो यू, आप ये आपका नॉर्वे है, ये आपका स्वीडन है, और ये आपका फिनलैंड है, और ये ग्रीनलैंड है आपका, आइसलैंड है,
तो ये कंट्रीज कुछ हमने देखा कि ये कुछ हैप्पी हैं अगर उस रिपोर्ट को देखें, और वो इनमें इनकम भी बहुत ज्यादा हाई है। फिनलैंड ने तो इनफैक्ट टॉप किया है इस लिस्ट को। अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता होगा कि अब फिर इनकम का फिर वैल्यू भी, फिर एक तरह से आप बोल रहे हो कि इनकम की वैल्यू नहीं है, अभी आप बता रहे हो कि इनकम की वैल्यू है। बट यहाँ पे एक बात को ध्यान से देखना जरूरी है दोस्तों। वो बात क्या है कि यहाँ पे अकेली इनकम हाई नहीं है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं, जो जो गवर्नमेंट है उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। अब आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है। जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपकी हैप्पीनेस में। अब देखिए सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या, मतलब ये है कि वहां पे कंट्रीज जो हैं वहां पे हेल्थ बहुत अफोर्डेबल रेट पे है, एजुकेशन बहुत अफोर्डेबल रेट पे है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो इनफैक्ट आपको गवर्नमेंट क्या करती है, आपको आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। कोई बंदा ओल्ड एज में है, अगर उसकी बहुत ज्यादा एज हो चुकी है और वो काम नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको पेंशन देती है। उनको हेल्थ के बारे में वरी नहीं करना पड़ता बिकॉज हेल्थ वहां पे फ्री है, एजुकेशन वहां पे बहुत ज्यादा फ्री है। तो इससे क्या होता है कि जो उनकी टेंशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है। अगर उनकी हेल्थ खराब भी होती है तो उनको संभालने के लिए गवर्नमेंट बैठी है। लेकिन अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पेंशन्स की बात ले लीजिए आप, जो ओल्ड एज में लोग हैं उनको इतनी ज्यादा पेंशन नहीं मिलती, उनकी पेंशन बहुत कम है। तो उस पेंशन से तो उनका गुजारा भी नहीं होता आज के टाइम में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम की वजह से है, बहुत चीजें ऐसी इन कंट्रीज में हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं है, और तभी करके ये ज्यादा खुश हैं। अब देखिए हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया इंडिया में हम बड़े हुए हैं, इसमें रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो ऐसा क्या है कि हैप्पीनेस क्यों डिक्रीज हो रही है, अकेला इंडिया में बात नहीं करेंगे, हम सारी कंट्रीज को एक साथ लेकर चलेंगे। सिंपल बात है दोस्तों, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक फैक्टर है जिसकी वजह से हैप्पीनेस डिक्रीज हो रही है। अब देखिए बहुत ज्यादा तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है, जो लोग हैं वो गांव से शहरों में जा रहे हैं, वहां पे शहरों में कंजेशन बढ़ रहा है, मतलब एक तरह से भीड़ बढ़ रही है, और इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है कि लोगों को वहां पे रहने के लिए जगह नहीं है। लोग अपना स्लम्स में रहते हैं, जो आपके झुग्गी झोपड़ी आप बोल देते हो वहां पे रहते हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन इतना है, इंडस्ट्रीज इतनी बढ़ चुकी हैं कि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है। अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में, न्यू दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन है। हमारी सिटीज जो हैं वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आती हैं। तो अब देखिए कई प्रॉब्लम्स ऑफ कम्यूट भी हैं। कम्यूट का मतलब देखिए, अब आप शहर में रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, अगर आपका इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाओगे। तो वहां पे देखिए कम्यूट की प्रॉब्लम है, सड़कों पे इतनी ज्यादा भीड़ है, शोर है, एक तरह से डिस्टर्बेंस है, लाइफ इतनी बिजी है, कोई किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। तो वो जो सारी चीजें हैं ये एक तरह से हैप्पीनेस को कम करती है। अब सिंपल बात ले लीजिए, अगर शहर में आपको आज जा रहे हो आप, अगर शहर में अगर वो लगा हो, आप जाम लगा हो तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई हो, तो ऑब्वियसली ये चीजें इरिटेट करती हैं। पोल्यूशन कितना इरिटेट करता है, आप जब देखते हो कि देखिए कई बंदे ऐसे होते हैं, चलो कई तो सिगरेट वगैरह पीते हैं, कई नहीं पीते हैं, तो जब वो देखते हैं कि एयर पोल्यूशन का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हमारी हेल्थ पे, तो उनका मन दुखी होता है कि हम अपने सेहत को लेकर इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत मैटर करती हैं। अब सिंपल बात है, लाइफस्टाइल की भी बात है। हम शहरों में देखते हैं कि कई लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेविश वेडिंग्स होती हैं उनकी, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास, बड़े बड़े बंगले हैं रहने के लिए। तो एक तरह से जो लाइफस्टाइल है उसका भी बहुत ज्यादा कंट्रास्ट होता है। तो ऑब्वियसली जब आप खुद को उनके साथ कंपेयर करते हो तो एक तरह से मन में आता है कि हम क्यों नहीं ये कर सकते, हम क्यों नहीं ये कर पा रहे। एक जो फीलिंग होती है रिजेंटमेंट की वो आती है, तो वो रिजेंटमेंट किसी भी तरीके से निकल सकती है। देखिए एक तरह से कई लोग इसको किस्मत मान लेते हैं कि हमारी किस्मत में यही है, कई लोग इसको
ज्यादा गलत तरीके से ले लेते हैं और वो क्रिमिनल वर्ल्ड में चले जाते हैं। कई लोग ठीक है इसको एक देखते हैं कि हाँ चलो ठीक है मेहनत कर लेनी चाहिए, लेकिन अकेला ऐसा नहीं है कि कई लोगों ने आज के टाइम में सिर्फ मेहनत करके वैसा बनाया है। बहुत लोगों ने गलत तरीकों से यूज करके गलत जो मतलब मीन्स यूज करके एंड्स को अचीव किया है। तो इसमें देखिए अब रिजेंटमेंट तो होती है। अब सिंपल बात ये भी है कि बहुत से लोग जो हैं हमारे इंडिया में ही पॉवर्टी लाइन की नीचे हैं। जैसे हमारी 250 मिलियन जो हमारी 20% ऑफ द पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के नीचे है। अब इसका मतलब ये है कि वो गरीब है। अब इसमें देखिए अब देखने को तो 20% है तो चलो ज्यादा, लेकिन फिर भी लगता है कि चलो ठीक है 80% तो अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये भी बात नहीं है। 80% जो हैं वो इतने ऐसा नहीं है कि उनमें से सभी अच्छे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अब मैं सिंपल आपको एग्जांपल दे लेता हूँ। मान लीजिए हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है 6,000 इनकम के हिसाब से। मान लीजिए इसको, मान लीजिए मेरे पास 6,000 से ऊपर मैं कमा रहा हूँ तो मैं पॉवर्टी लाइन के ऊपर हूँ, और आप 6,000 से कम कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। अगर मैं मान लीजिए मैं 7,000 कमा रहा हूँ तो मैं पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल पास हूं। रब भगवान ना करे कभी कोई डिजास्टर हो जाता है, कभी भूचाल आ जाते हैं, कभी आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, जो कभी आपके फ्लड्स आ जाते हैं, या हेल्थ हेल्थ रिस्क हो जाते हैं, या टेरर अटैक हो जाते हैं, या फैमिली में कमाने वाले की कोई डेथ हो जाती है। तो सिंपल क्या है, लोग हमेशा क्या है वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब वो एक तरह से पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने के लिए फिर से क्या है एक तरह से वो बिल्कुल मतलब बहुत मुश्किल से वो ऊपर हैं और किसी भी टाइम वो नीचे जा सकते हैं। अब सिंपल किसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे इंडिया में लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी सामने निकल के आ रही हैं जिससे क्या हो रहा है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है और हमारे हॉस्पिटल्स उतने लेवल के नहीं है, पब्लिक हॉस्पिटल्स, तो हम किस पर डिपेंडेंट है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। तो आपको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो जो है बहुत ज्यादा फीस लगती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अगर आपकी सारी इनकम वहां पे चले जाएगी तो आपके पास रियल इनकम क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। मतलब चाहे हमारी 20% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो पॉवर्टी लाइन में कभी भी आ सकती है अगर कोई भी डिजास्टर होता है, भगवान ना करे। तो देखिए सिंपल बात तो ये भी होगी, और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं आज के टाइम में एस्पिरेशनल हो चुके हैं। जैसे आप ले लीजिए, मैं हूं, कोई और है, सभी के घर में टीवी है, मीडिया है, आप सोशल मीडिया चलाते हो, आप लोगों को देखते हो कि कोई ये कर रहा है, मीडिया में आपको दिखता है कि कोई कोई अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है। मतलब आज एक तरह से लोगों को शो ऑफ करने की बहुत ज्यादा आदत है, और कई लोग तो चलो इसको ही परवाह नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हालांकि मैं इस चीज के बारे में नहीं सोचता, मैं सोशल मीडिया से काफी ज्यादा अवॉइड करता हूँ सोशल मीडिया पे आना ऐसी चीजों को लेके, मतलब कि जो लाइफस्टाइल के रिलेटेड है कि हाँ शो ऑफ करने के। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि जो शो ऑफ करते हैं और जब आप या कोई और या कोई गरीब उनको देखता है तो उससे उसकी एस्पिरेशंस बढ़ती हैं। वो देखता है कि हाँ मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये बनना है। तो जब वो सोचता है, जब वो देखता है, लेकिन उसकी जो जो उसकी जो मन की भावनाएं हैं, जो मन की इच्छा है, वो पूरी नहीं हो पाती, तो क्या होता है, तो उसकी जो जो एस्पिरेशंस है वो दब जाती हैं। तो आप वो अनहैप्पी फील करता है। अब अनहैप्पी फील करता है तो इसके इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो कोई क्रिमिनल एक्ट कर सकता है, या वो बंदा क्या कर सकता है, अपना जितनी मेहनत कर सकता है वो करेगा और अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करेगा, या वो अपनी एस्पिरेशंस दबाएगा या अपनी लाइफ को जैसे तैसे काटने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इसकी वजह से हैप्पीनेस डिक्रीज हो रही है। अब मैंने आपको बताया कि हैप्पीनेस डिक्रीज हो रही है, तो और थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंडिया स्पेसिफिक रीजंस क्या है। अब हमने बात तो की, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक भी देख लेते हैं कि इंडिया स्पेसिफिक रीजंस क्या है। अब सिंपल बात है, इंडिया में आप देख लीजिए वरीज बहुत है, सोच सोच लोगों को फिक्र बहुत है। फिक्र कैसी है, अब देखिए इंडिया में इतना ज्यादा कुछ हम बोलें कि इंडिया बहुत ज्यादा बदल चुका है, इंडिया में कोई वरीज नहीं है, तो ये कहना बहुत गलत होगा। बेसिक नीड्स, बहुत लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती। मतलब हम उसको सिंपल वर्ड्स में कहें, दो वक्त की रोटी और रात को सोने के लिए घर और पीने के लिए पानी, या बच्चों को देने के लिए फैसिलिटीज नहीं है, वो बेसिक नीड्स के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी
अभी सुबह उन्होंने खाना खा लिया तो उनको ये टेंशन है कि दोपहर को कैसे आएगा, दोपहर को खा लिया तो उनको ये टेंशन है कि रात को कैसे आएगा। तो ऐसी चीजों बहुत, अब इंडिया में जो बेसिक नीड्स की कमी है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी बात क्या है, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए आप। अब जब बेसिक नीड, सिंपल बात है, जब आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, आप उनको अच्छा नहीं बना पा रहे, आप दुखी तो होंगे, आपके बच्चे भी तंग होंगे, आप भी तंग होंगे, आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो ऑब्वियसली आप अनहैप्पी फील करोगे। दूसरी बात है, देखिए अब लो एंड ऑर्डर की बात है, तो लो एंड ऑर्डर भी इंडिया में कुछ खास अच्छा नहीं है। तो दोस्तों सेफ्टी ऑफ वुमेन है, हम डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, रेप्स होते हैं, तो इससे क्या है कि जो जो सोसाइटी में एक नेगेटिव इमोशंस फैलते हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि क्या ये नेगेटिव नेगेटिव बातें करता जा रहा है बंदा, लेकिन मैं आपको ये एक चीज एनालाइज करवाना चाहता हूं ताकि आपका होलिस्टिक व्यू पॉइंट बन सके। अब सेफ्टी की बात अलग है, सिंपल बात ले लीजिए, हमारे कश्मीर में प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम कश्मीर में भी बहुत लड़के हैं जो हैं, जो गरीब फैमिली से हैं, वो गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, मिलिटेंसी का रास्ता पकड़ रहे हैं, तो वहां पे कितने ज्यादा इनकाउंटर्स होते हैं, तो वो जब उन चीजों को सबसे सफर करते हैं तो वो दुखी फील करते हैं। ऐसे ही हमारे इंडियंस भी इस चीज से दुखी होते हैं। अभी रिसेंटली पुलवामा अटैक हुआ जिसमें 40 सीआरपीएफ के पर्सनल मारे गए, वो देश के हर एक कोने में से थे, हर एक कोने में से, कोई पंजाब से था, कोई साउथ इंडिया से था, कोई नॉर्थ ईस्ट से था, कोई वेस्ट से था, तो एक तरह से जो माहौल था वो दुख वाला फैल गया। तो इससे अब लॉ एंड ऑर्डर से प्रॉब्लम तो दिखी होती है। अगर आपके पास, आपको अच्छा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो आप डरोगे, आप इनसिक्योर फील करोगे। दूसरी बात है, देखिए इंडिया की स्पेसिफिक बात करें तो इनसिक्योरिटी का भी बहुत इश्यू है। इनसिक्योरिटी कैसी, मतलब एक तरह से असुरक्षा। असुरक्षा कैसी, पहले तो आपको मैंने बता ही दिया कि लॉ एंड ऑर्डर वाली बात है। दूसरी बात है हेल्थ की। अब हेल्थ की, अब कई बंदे ऐसे होते हैं जी जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के ऊपर रह रहे होते हैं, उनको कॉन्टिन्यूसली ये डर सता रहा होता है कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि अगर कोई बाई चांस अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उनका जो सारा पैसा है वो हेल्थ में खर्च हो जाएगा, बिकॉज उन्हें अफोर्डेबल हेल्थ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट इतनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज नहीं दे पा रही कि आपका जो हेल्थ है, जो हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स है, उसको किसी तरीके से पूरा किया जाए। हालांकि अभी कुछ एफर्ट्स किए गए हैं, जैसे आपका आ, आ, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो जो टेन 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 करोड़ फैमिलीज जो हैं, फैमिलीज नहीं, इंडिविजुअल्स की बात है, फैमिलीज की बात है, मुझे उसका प्रॉपर नाम नहीं, इंश्योरेंस स्कीम अभी स्टार्ट की है गवर्नमेंट ने, तो कुछ एफर्ट्स कुछ उसकी तरफ किए जा रहे हैं, लेकिन वो भी यूनिवर्सल नहीं है, उसको भी सभी लोग नहीं अवेल कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसमें कवर नहीं होंगे, लेकिन उनको जरूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी टारगेटेड स्कीम जो होती है, अगर वो उसको टारगेट करके बनाया जाए तो क्या होता है जी, उसमें एरर तो आते हैं, इंक्लूजन के भी कई ऐसे लोग इंक्लूड हो जाते हैं जिनको जरूरत नहीं है, और कुछ ऐसे लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं जिनको जरूरत होती है। अब इनसिक्योरिटी दोस्तों जॉब की भी है, इनकम की भी है, लोगों को सिक्योर जॉब नहीं है। मान लीजिए अब हमारा, अगर मैं सिंपल आपको बात करूं, यहां पे बात करूं, तो हमारी इकोनॉमी में 90% जो लेबर फोर्स है, जो काम करने वाले हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है कि वहां पे कोई पेंशन का सिस्टम नहीं है, कोई लिमिटेड वर्किंग आवर्स नहीं है, लोग 12 12 घंटे 15 15 घंटे काम कर रहे हैं, और कोई ओवर टाइम नहीं मिलता, और बहुत कम ऑफ मिलते हैं, कोई अच्छी कंडीशंस नहीं है, वर्किंग कंडीशंस नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है जिसमें वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, कई लोग बहुत ज्यादा एक तरह से कंजेशन वाली जगह पे काम करते हैं जहां पे कुछ इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है आउटसाइड एनवायरमेंट को, कोई कोई मतलब जो इनकम की भी सिक्योरिटी नहीं है। अगर वो इनकम को अपनी अपनी इनकम को इंक्रीज करना अगर इंक्रीज करने की डिमांड करें तो उनको निकाल दिया जाता है, और वैसे भी आज हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं तो जॉब्स जो हैं कभी भी जा सकती हैं, जैसे ऑटोमेशन बढ़ रही है, मशीनरी बढ़ रही है। अब बात आती है देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, भारत की व्यवस्था की भी। अब इसमें देखिए क्या इशू है, सिंपल बात है, कोई भी बंदा गवर्नमेंट के सिस्टम में तो रह रहा है, आज के टाइम में कोई भी दुनिया का ऐसा आदमी नहीं है जो किसी तरह की गवर्नमेंट में कवर ना होता हो। सिंपल बात है, अगर आप डेली नीड्स पे, इंडिया तो चलो डेमोक्रेसी है, इंडिया में बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, आपकी बहुत सारी नीड्स जो है गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। अगर आपको अपना छोटा सा काम करने के लिए भी पैसे देने पड़े,
या बड़ा से बड़ा काम करने के लिए भी पैसे पैसे देने पड़े, तो ऑब्वियसली आप एक तरह से आप ये फील करोगे कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, करप्शन बहुत ज्यादा है, हमारा लीगल सिस्टम बहुत ज्यादा क्लोग्ड है। जैसे देखिए, अब सिंपल बात है, लीगल हमारे जो जस्टिस है, हमारे कितने केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, बहुत सारे करोड़ ऑफ केसेस आर पेंडिंग। तो ऐसे जिस अब इन इन इस सिचुएशन में जब ये चीजें पेंडिंग हैं, तो ऑब्वियसली आपको अगर जस्टिस नहीं मिलता, आपके पास साथ कोई ना इंसाफी हुई है और आप सिंपल उसका जस्टिस लेना चाहते हो, आप न्याय लेना चाहते हो, तो वो आपको नहीं मिलता। तो उससे क्या होता है दोस्तों, एक मन में जो जो रिजेंटमेंट होती है वो आ जाती है कि हाँ, मुझे तो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी वैल्यू नहीं है मेरी, तो मुझे तो कोई भी सुन रही है। मतलब सिंपल ये है कि आज के टाइम में मसल और मनी पावर है, माइट इज राइट है। अगर कोई पोलिटिकल सिंपल बात करें, अभी जनरल इलेक्शंस होने हैं, तो बहुत ऐसे यूथ होगा, बहुत ऐसा यूथ होगा जिसके मन में एस्पिरेशन होगी कि हम भी अपनी लीडरशिप पोजीशन को डेवलप करें, लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करें, या लोगों को लीड करें। लेकिन हर किसी को मौका नहीं मिलता, बिकॉज पॉलिटिक्स में भी क्या चलता है, ज्यादा मसल पावर चलती है या मनी पावर चलती है। जिसके पास पैसा है उसकी बात है, मतलब माइट माइट इज राइट वाली बात है। तो देखिए, अब इससे ऑब्वियसली जब ये चीज है, तो आप चीटर तो फील करोगे, आप ये सोचोगे कि हाँ, मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है, तो आप कैसे हैप्पी हो पाओगे। तो ये तो चलो मैंने आपको बताया कि कॉजेज स्पेसिफिक टू इंडिया हो गए। अब और भी अगर इकोनॉमी की बात कर ले, तो थोड़ा इकोनॉमी में भी हम जाना चाहते हैं, बहुत सारी बात है, तो चलो और भी कर ली। इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी चाहे अभी बढ़ रही है, हमारी मैंने आज जैसे आपको बताया कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, उसमें ग्रोथ तो दोस्तों हो रही है, लेकिन जो ग्रोथ है ऐसा है कि स्टेगनेंट नहीं है, बढ़ रही है ग्रोथ, लेकिन बहुत सारी डिससेटिस्फेक्शन है। अब सिंपल बात तो पहले ग्रोथ की कर लेते हैं। जब ग्रोथ हो रही है तो उसका देखिए, अब जीडीपी बढ़ रही है, मैं बोल देता हूँ जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये टर्मिनोलॉजी का एक एक आम किसान को या आम लेबरर को क्या मतलब? उसको मतलब है वो रात को अपने बच्चों को खाना खिला सकता है, उसको मतलब है क्या वो उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकता है, उसको मतलब है क्या वो उनको रहने के लिए घर दे सकता है, उसको मतलब है कि क्या वो उनको सिक्योर सिक्योर जो इन्वायरमेंट है वो इंश्योर कर सकता है, उसको मतलब है कि वो उनके अगर उनकी हेल्थ को खराब अगर उनकी हेल्थ खराब होती है, तो उसको वो उसकी उनकी हेल्थ को वो डील कर सकता है, या उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को वो निकाल सकता है। तो उसको जीडीपी से कोई मतलब नहीं है। जीडीपी अगर बढ़ रही है तो जरूरी थोड़ी है, इनकम अगर बढ़ रही है तो जरूरी थोड़ी है हर एक की बढ़नी है। अब सिंपल बात है, देश में 10 लोग हैं, सपोज कर लीजिए इंडिया में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, दसवें आदमी की इनकम बढ़ गई और आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, तो आपको उस चीज से क्या मतलब? अगर उस बंदे की 10 लाख बढ़ गई तो आप बोल दो कि हाँ जी, देश की इनकम तो बढ़ रही है, तो वो किसकी बढ़ रही है? देखना तो ये होगा ना कि क्या वो एक बंदे की बढ़ रही है या सभी की बढ़ रही है। अगर एक बंदे की बढ़ रही है तो भी वो बीच में काउंट होगी। तो यही बात है कि ग्रोथ अगर हो रही है तो उसका फायदा किसको मिल रहा है? क्या जो आम आदमी है उसको उसका फायदा भी मिल रहा है, फायदा भी मिल रहा है? तो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन है, जैसे रूरल डिस्ट्रेस देख लीजिए, एग्रीकल्चर का हाल देख लीजिए, दूसरे दिन खबर आ जाती है कि किसी फार्मर ने सुसाइड कर लिया, लोगों के पास फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं है, कर्ज में डूबे हुए हैं, उनकी जो प्रोड्यूस है, जो जो वो प्रोड्यूस करते हैं, जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, वो बिकता नहीं है इतना ज्यादा, तो इतने ज्यादा अच्छे प्राइस नहीं मिल पाते उनको, तो ऑब्वियसली टेंशन तो होगी। अगर आपको अपनी अपनी जॉब में से इनकम ना हो तो ऑब्वियसली आप कैसे खुश रहोगे? दूसरी बात, सिंपल बात है दोस्तों, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। हमारे बैंकिंग सिस्टम में क्या है, बहुत सारा पैसा जो बैंक्स का है वो लोगों के लोगों लोग वापस नहीं दे रहे। अब सिंपल बात है, नीरव मोदी की बात कर लीजिए या विजय माल्या की बात कर लीजिए, बैंकिंग इतने इतने पैसे लेके वो भाग गए हैं, बाहर बैठे हैं, और वो बंदे क्या कर रहे हैं? उससे क्या है, बैंकिंग को एक तरह से बैंकिंग के ऊपर स्ट्रेस तो आता है ना। सिंपल बात ये है कि अब एक तो वो बैंकिंग सिस्टम पे स्ट्रेस ला रही हैं, दूसरी बात है आपके मन में भी आता है कि देखिए, हम एक आम सिटीजन है,
हम तो हमारे से तो एक एक पैसा निकलवा लिया जाता है, एक एक रुपया निकलवा लिया जाता है। इतने बड़े बड़े लोग करोड़ों करोड़ों रुपया लेके भाग जाते हैं, वो बंदों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं है। अगर गवर्नमेंट बिल भी लेके आ रही है, लॉ भी लेके आ रही है, वो दूसरे देश में बैठा है, कब कब किसको पता है क्या कब आएगा, वो कब नहीं आएगा। सिंपल बात है, अगर वो सिंपल मना कर दे, अब मैं हूं मान लीजिए, मैं पैसे लेके भाग गया और मुझे पकड़ लिया पुलिस ने, मैं अगर मना कर दूं कि मेरे पास नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है, तो क्या कर लेंगे वो, गवर्नमेंट क्या कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल कर देगी। मैंने अपने जितने पैसे लेने थे वो भाग मैं लेके मैंने भाग लिया, मैंने ऐश कर ली, मैंने मैंने अपने बच्चों को दे दिया। तो अब यही बात है ना कि हाँ, क्या हम इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब सिंपल बात इंडस्ट्री की भी है, हमारे अगर हम बात करें, इंडस्ट्री भी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर रही, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा कम है, जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है। अभी कल रिपोर्ट आई थी, मुझे प्रॉपर रिपोर्ट तो नहीं पता, लेकिन उनमें से जो हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं, जिनमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है, स्टील आता है, सीमेंट इंडस्ट्री आती है और काफी चीजें आती हैं, उनकी ग्रोथ को देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा कम हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि ऑब्वियसली जी, देखिए बैंक्स के पास पैसा नहीं है लोन्स देने के लिए, लोन्स नहीं मिल रहे लोगों को, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हुई पड़ी है। बहुत सारे जो लोग हैं, 90% ऑफ द लेबर फोर्स वो इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज्ड है। अब अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो रही है तो इनकम नहीं लोगों की बढ़ रही है, तो इनकम नहीं बढ़ रही तो ऑब्वियसली तंग तो होंगे ही वो। तो ये सारे रीजंस जो हैं, ये मल्टीपल रीजंस हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी आपकी अनहैप्पीनेस की तरफ। तो दोस्तों लास्ट में एक बात बस ऐड करना चाहता हूं मैं, लेक्चर तो चलो बहुत लंबा हो गया। अब मिसलेनियस की बात देख लीजिए, मिसलेनियस में देखिए, अब सिंपल बात है, लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है जी। बहुत से लोग स्लम्स में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, और सिंपल बात है, बहुत ज्यादा ऑटोमेशन हो रही है, आपके जो हर काम में मशीनरी आ रही है, और आपकी जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स है, जिनको जो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते, वो उनको वो अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, और वैसे भी इम्प्लॉयमेंट इंडिया में ग्रो नहीं कर रही है। तो सिंपल बात दोस्तों यहीं पे खत्म होती है, इतने देर में मैंने आपको लेक्चर दिया, तो इसमें दोस्तों यही बात खत्म होती है एक, कि अगर मुझे या किसी एक आम आदमी को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, रहने के लिए छत नहीं मिल रही, और पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, रहने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, मैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा, तो मेरे लिए ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। और लास्ट में मैं यही कंक्लूड करना चाहता हूं, जो मैं किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूं कि जो लोग मतलब एक तरह से अपनी आंखें बंद करके किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी देखिए ये हो गया, या पहले ये पार्टी ने ये किया था, अब वाली पार्टी ने ये नहीं किया, तो दोस्तों परफेक्ट सिस्टम कोई भी नहीं है, परफेक्ट पार्टी कोई भी नहीं है। अपना दिमाग सोच समझ के वोट डालिए, अपनी वोट की वैल्यू बनाइए, अपनी वोट को बिकने ना दीजिए, क्योंकि आपका माइंड जो है, वो माइंड आपका क्या है, वॉश किया जा रहा है मीडिया चैनल्स के थ्रू। आप मुझे भी बोल सकते हो कि मैं वॉश कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इतनी देर से मुझे आप सुन रहे थे, तो ऑब्वियसली आपको कुछ लॉजिक तो मेरी बातों में लगा होगा। अगर लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कल ऐसी वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे हम, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, खुदा हाफिज, थैंक यू।